हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी एप्लीकेशन, मतलब कि आपके डिवाइस की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कुछ कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि गैलरी होगी आपकी, सेटिंग होगी आपकी, सभी को आप जो है फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो कैसे आपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में फिंगरप्रिंट लॉक जो है किसी भी एप्लीकेशन में अप्लाई करना है, तो इसके बारे में पूरा आपको मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो यहाँ पे पूरा देखना, स्किप मत करना। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं डेली जो है कमेंट के बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो सुबह मैंने जो सुबह वीडियो डाली थी उसमें मैंने डिस्कशन नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि शाम के टाइम मैं हमेशा अपने जो कमेंट्स रहते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट है, तो मेरा सबसे पहले जो सब्सक्राइबर है वो है हमारा तोसीम सर। भाई, मेरी बात सुनकर एक वीडियो बनाओ, 3 बार कमेंट कर चुका हूँ, आप सुनते ही नहीं हो। सैमसंग गैलेक्सी A30s में कौन सी स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स अप्लाई होती हैं, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। तो तोसीम भाई, मैं आपके कहने पे जो है अपने वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा फ़ॉन्ट्स का, जिसे देख के आप अपने A30s में जो है फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि 1UI 2.0 का अपडेट भी आने वाला है, तो नए फ़ॉन्ट्स भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन के फ़ॉन्ट्स चेंज करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप अपने डिवाइस के फ़ॉन्ट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर कोई और भी चेंज करना चाहता है वो भी इस वीडियो को देख के चेंज कर सकता है। अब जो है हम नेक्स्ट कमेंट के बारे में यहाँ बात करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट कमेंट आया वो है विशाल का। मैं पबजी खेलते समय फ़ोन गर्म होता है, हीट होता है, प्लीज़ इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएं। विशाल भाई, मैं आपको बता दूं, पबजी मैं भी खेलता हूं, मेरे फ़ोन खुद हीट और करता है, मतलब कि कोई भी पबजी खेलेगा तो उसका मोबाइल हीट करेगा, ये नेचुरली है, क्योंकि पबजी एक हाई लेवल गेम है, उसको कोई भी खेलेगा, मतलब कि जितना महंगा डिवाइस होगा या जितना सस्ता डिवाइस होगा, किसी भी डिवाइस में अगर पबजी आप खेलेंगे तो आपका नेचुरली जो है आपका डिवाइस हीट करेगा, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो वर्क करता है और वो हीट मारता है। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन ना लीजिए, कोई भी अगर आप पबजी खेलेंगे तो आपका डिवाइस नेचुरली है वो हीट करेगा, तो इससे आपके प्रॉब्लम को, आपके डिवाइस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम जो है थर्ड कमेंट की ओर चलते हैं। थर्ड कमेंट आया हमारा पासवान पावर्ड अभिमन्यु, ठीक है। थैंक राकेश भाई, मुझे भी ये प्रॉब्लम था, थैंक्स ब्रदर, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपकी वीडियो का इंतज़ार करता हूँ, और क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिहार से हूँ। थैंक यू पासवान भाई, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बिहार से भी मेरे फ्रेंड हैं, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ तो बिहार से मेरे जो फ़ैन हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो बोल रहा है कि मुझे सीखने को मिलता है। यार कसम से बहुत अच्छा लगता है कोई बोले कि यार आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, और मैं आशा करता हूँ आपके लिए जो आगे की वीडियोज़ हैं उनमें कुछ नया लेकर आऊँ और आप भी उससे खुश हो जाएँ। तो ये थे आज के 3 कमेंट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपकी वीडियो है ये, तो वीडियो के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो चलिए आते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पे। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी होगी, वो है 2 MB की। तो वो कौन सी एप्लीकेशन है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आपने वहां से डाउनलोड कर लेनी है। लेकिन डाउनलोड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं वो वर्क कैसे करती है, पूरे आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। तो मैंने ये एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर ली है, जिसको इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ये आपके यहाँ पे पिन कोड मांगेगा, तो आपने यहाँ पे कोई सा भी कोड डाल देना है, ठीक है। 4 डिजिट का यहाँ पे आपने कोड डालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो इसके बाद ये मांगा कि फिंगरप्रिंट, देर आर रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट, अगर आपने फिंगरप्रिंट यहाँ पे रजिस्टर किया है तो आपने यस कर देना है, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ पे प्लस का आइकन आएगा, ठीक है, आपने प्लस के आइकन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन पे आप जो है फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक लगा सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे गैलरी चूज कर ली, ठीक है, गैलरी चूज कर ली। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम यहाँ पे चूज कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने मैसेंजर चूज कर लिया। मैं नहीं चाहता कि ये सब एप्लीकेशन जो है यहाँ पे, इनमें कोई भी आपकी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन पढ़ सके। तो आपने यहाँ पे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहेंगी उन सभी में आपने जो है यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा देना है, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप पे भी लगा दिया और हो गया, उसको आपने ओके कर देना, ठीक है। ओके करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने यहाँ पे जाके जो है जो आपका ऐप लॉक का एप्लीकेशन रहेगा उसको इनेबल कर देना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है जो आपका ऐप लॉक रहेगा उसकी यहाँ पे परमिशन आपने अलाउ करनी है, फिर उसके बाद ओके करना है, उसके बाद आपने जितनी भी परमिशन मांगेगा आपने सभी अलाउ कर देनी, ठीक है। जितने भी आप सभी परमिशन को अलाउ करेंगे तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अलाउ कर दी है, उसके बाद मैं बैक आ जाऊंगा, बैक आ गया उसके बाद मैं अपनी गैलरी को ओपन करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने गैलरी ओपन की उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट मांगेगा, मतलब कि अगर मैं इस ऐप को मतलब फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तभी मेरी गैलरी ओपन होगी। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है यार, आप किसी भी एप्लीकेशन में से अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो व्हाट्सएप में भी ये फिंगरप्रिंट मांगेगा, ठीक है। कोई भी जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी आपका फोन ओपन करेगा वो बिल्कुल ही मतलब परेशान हो जाएगा कि यार इसने सभी एप्लीकेशन को लॉक लगा के रखा हुआ, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूं। तो इससे जो है आप अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और आपके फोन के साथ कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो ये थी आज की अल्टीमेट ट्रिक, मैं आशा करता हूं आपको ये ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।